हेलो बच्चों, आज हम अध्याय पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के भाग एक पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप पर, स्थल रूपों के निर्माण की प्रक्रिया पर, स्थल रूपों का विभाजन पर और पर्वत पर। इसके अलावा हम पर्वत के प्रकार पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा शुरू करते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप से। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी की सतह को जो है दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पहला जलमंडल और दूसरा स्थल मंडल। बच्चों, जो स्थल का भाग होता है वो सभी जगह एक समान नहीं होता है। कुछ भाग तो समतल होता है, वहीं दूसरी ओर कुछ भाग हजारों मीटर ऊंचा और उबड़ खाबड़ होते हैं। बच्चों, विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण मुख्यतः दो प्रक्रियाओं के कारण होता है। पहला आपका है आंतरिक प्रक्रिया और दूसरा है बाह्य प्रक्रिया। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे स्थल रूपों के निर्माण की प्रक्रिया पे। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम आंतरिक प्रक्रिया से। बच्चों, क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर लगातार गति होते रहती है और इस गति के कारण पृथ्वी पर आंतरिक प्रक्रिया जो है वो होते रहती है। आंतरिक प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह कहीं पे ऊंची हो जाती है तो कहीं पे धस जाती है। अगर हम बात करें कि आंतरिक प्रक्रियाओं में क्या क्या आता है, तो बच्चों आंतरिक प्रक्रियाओं में ज्वालामुखी और भूकंप, ये दो जो है प्रमुख हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, पहला चित्र ज्वालामुखी का है और दूसरा भूकंप का। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा स्थल रूपों के निर्माण की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। तो बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे बाह्य प्रक्रिया पे। बच्चों, बाह्य प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह बनती या टूटती रहती है। ये पृथ्वी के आंतरिक बलों द्वारा निर्मित विभिन्न अनियमितताओं को काट छाट का कार्य करते हैं। और बच्चों, ये जो काट छाट का कार्य है ये मुख्यतः तीन चरणों में होता है। पहला अपरदन, दूसरा परिवहन और तीसरा निक्षेपण। बच्चों, अगर हम बात करें अपरदन की, तो पृथ्वी की सतह के घिस जाने को ही अपरदन कहते हैं। और अपरदन की क्रिया से उत्पन्न पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना परिवहन कहलाता है। और बच्चों, पृथ्वी की सतह पर पदार्थों के जमा होने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो बच्चों, ये सारे जो कार्य हैं, ये मुख्यतः पवन, नदी, हिमनद, समुद्री लहर, भूमिगत जल के द्वारा किए जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे स्थल रूपों का विभाजन। बच्चों, पृथ्वी के स्थल रूपों को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पर्वत, दूसरा है पठार और तीसरा है मैदान। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे पर्वत पे। बच्चों, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई अर्थात समुद्र तल से 900 मीटर या उससे अधिक को पर्वत कहते हैं। बच्चों, पर्वत का शिखर जो है वो छोटा होता है। अगर हम बात करें कि पर्वत पूरे विश्व में कितने पाए जाते हैं, तो बच्चों ये अनुमानतः पूरे स्थलीय क्षेत्रफल के एक चौथाई हिस्से में पाए जाते हैं। बच्चों,
पर्वत अपने आसपास के क्षेत्र से अत्यधिक ऊंचा होता है और जैसा कि हम जानते हैं, ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है, तो इसी वजह से ऊंचे पहाड़ अक्सर जो हैं बर्फ से ढके होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा पर्वत पे जारी रखते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं? तो बच्चों, पहाड़ों की उस श्रृंखला को पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला कहते हैं जहां एक पर्वत दूसरे पर्वत से सटा रहता है। बच्चों, इन पर्वतों को या तो कोई घाटी या दर्रा ही एक दूसरे से अलग करती है। अगर हम पर्वतों के उदाहरण की बात करें तो मुख्य पर्वत होते हैं एंडीज, रॉकी, आल्पस इत्यादि। बच्चों, क्या आपको पता है हिमानी किसे कहते हैं? तो बच्चों, पर्वत पे बर्फ की नदियां होती हैं और ऐसी ही जमी नदियों को हिमानी कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम पर्वतों के प्रकार पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, मुख्यतः पर्वत जो हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला वलित पर्वत, दूसरा ब्रह्मसुत्र पर्वत और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सभी प्रकार के पर्वतों की चर्चा एक एक करके करते हैं। तो बच्चों, हम चर्चा कर रहे हैं पर्वत के प्रकार की और हम शुरुआत करेंगे वलित पर्वत से। बच्चों, पृथ्वी की सतह अर्थात चट्टानों पे आंतरिक बलों के कारण वलन अर्थात मोड़ पड़ जाती है तथा वह हिस्सा ऊपर उठ जाता है और इस प्रकार से वलित पर्वत का निर्माण होता है। बच्चों, विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत जो हैं, वो वलित पर्वत ही हैं, जैसे कि हिमालय, एंडीज और आल्पस। ये सभी जो हैं, वलित पर्वत के ही उदाहरण हैं। बच्चों, अरावली भी जो है वलित पर्वत है, लेकिन अपघटन के कारण यह श्रृंखला जो है घिस चुकी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा पर्वत के प्रकार को जारी रखते हैं और अब हम चर्चा करेंगे ब्रह्मसुत्र पर्वत की। बच्चों, धरातल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण टूटकर उस पे विस्थापित हो जाता है और इस प्रकार जो है ब्रह्मसुत्र पर्वत का निर्माण होता है। बच्चों, ये जो ऊपर उठे हुए भाग होते हैं उनको उत्खंड या हास्ट कहते हैं तथा जो नीचे धसे हुए भाग होते हैं उनको भ्रंश अर्थात ग्राबेन कहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो यूरोप की राइन घाटी जो है भ्रंश अर्थात ग्राबेन और वॉस्जिस पर्वत जो है उत्खंड अर्थात हॉर्स्ट के उदाहरण है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा पर्वत के प्रकार को जारी रखते हैं। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे ज्वालामुखी पर्वत की। तो बच्चों, ज्वालामुखी क्रिया के कारण जो है पृथ्वी के अंदर से गर्म मैग्मा और चट्टानों के टुकड़े जो है तीव्र गति से निकलते हैं और यह मैग्मा तथा अन्य पदार्थ ज्वालामुखी के मुख अर्थात क्रेटर के चारों तरफ जमा हो जाते हैं एवं पर्वत का रूप ले लेते हैं और इसे ही हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। बच्चों, ये पर्वत जो है शंकु आकार के होते हैं। किली मंजारो और फ्यूजियामा इस पर्वत के उदाहरण हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने चर्चा की पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप पे, स्थल रूपों के निर्माण की प्रक्रिया पर,
स्थल रूपों के विभाजन पर, पर्वत पे और पर्वत के प्रकार पे। इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। और बच्चों, अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे पर्वतों का महत्व पर, पठार पर, पठार के महत्व पर और मैदान पर। तब तक के लिए धन्यवाद।